हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज देखने वाले हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहलों में डिफरेंस कैसे करेंगे, और वो विक्टर मेयर विधि के माध्यम से। और अपन पढ़ चुके हैं ल्यूकास परीक्षण, उसमें भी क्या करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन करते हैं। तो अपन यहाँ ले लेते हैं 1 डिग्री एल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में, यहाँ ले लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल और एक ले लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। तीनों टाइप के एल्कोहलों को अपन ने क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब में ले लिया। अब 1 डिग्री एल्कोहल के अंदर अपन लाल फास्फोरस और आयोडीन मिलाते हैं। तो लाल फास्फोरस और आयोडीन जो है वो देता है PI3 फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड। और जब एल्कोहलों की रिएक्शन यानी RCH2OH, ये हो जाएगा RRCHOH और ये हो जाएगा RR और RCOH। जब एल्कोहलों की रिएक्शन लाल फास्फोरस और हेलोजनों के साथ यानी PCl3, PX3 या PI3 के साथ होती है, तो OH समूह जो है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, आयोडीन द्वारा। यहाँ आयोडीन ले रखी है तो ये बन जाएगा RCH2I। यहाँ क्या बन जाएगा, ये OH है वो हट जाएगा और ये बन जाएगा RRCHI। और यहाँ बन जाएगा, यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, P+I2, यहाँ भी P+I2 फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा R3CI। फिर इसकी रिएक्शन जो एल्किल आयोडाइड बने हैं, ये 1 डिग्री एल्किल आयोडाइड, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, इनकी रिएक्शन अपन करवा देते हैं AgNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन भी AgNO2 के साथ और इसकी रिएक्शन भी AgNO2 के साथ करवाते हैं। तो यहाँ से AgI निकल जाता है, तो ये बन जाएगा RCH2NO2, ये हो जाएगा RRCHNO2 और ये हो जाएगा R3CNO2। अब इनकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवा देते हैं, HNO2 और HNO2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से जल का अणु निकल जाता है, किस में, इसके अंदर, तो ये -H2O और ये बन जाएगा RC। सी से हाइड्रोजन हट गया तो दो वैलेंसी इसकी फ्री हो गई, दो नाइट्रोजन की फ्री हो गई, तो डबल बॉन्ड NOH और ये NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ, HNO2 के साथ, तो ये HNO2, यहाँ से जल का अणु निकलता है, ये H और ये OH -H2, ये हो जाएगा RRC एंड डबल बॉन्ड O और NO2, इसको कहते हैं स्यूडो नाइट्रोल। और इसमें देखो, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहां कोई अभिक्रिया नहीं होती है, यानी नाइट्रस अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती है, क्यों, निकलने के लिए कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो यहां नाइट्रोलिक एसिड, यहां स्यूडो नाइट्रोल बनता है। अब स्यूडो नाइट्रोल और नाइट्रोलिक एसिड जब इसमें क्षार मिलाते हैं NaOH,
तो ये लाल रंग देता है। NaOH मिलाने के बाद नाइट्रोलिक एसिड क्या देता है? लाल रंग। इसमें अपन NaOH मिलाएं तो ये देता है ब्लू कलर, नीला रंग। और यहां NaOH की रिएक्शन नहीं हुई तो कोई रंग नहीं उत्पन्न होता। तो अपन 1 डिग्री अल्कोहल हूं, 2 डिग्री अल्कोहल हूं और 3 डिग्री अल्कोहल हूं की लाल फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा दें तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो उत्पाद में बनता है एल्किल, ये नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और नाइट्रो एल्केनों की जब नाइट्रस अम्ल के साथ यानी HNO2 के साथ रिएक्शन होती है तो इसमें बनता है नाइट्रोलिक एसिड जलकाणु निकलने से, इसमें बनता है स्यूडोनाइट्रोल और उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है क्योंकि कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है निकलने के लिए। और जब नाइट्रोलिक एसिड में NaOH मिलाते हैं तो लाल रंग उत्पन्न होता है, इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल है। और NaOH मिलाने पर स्यूडोनाइट्रोल नीला रंग देता है, इसका मतलब द्वितीयक एल्कोहल है। कोई कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब तृतीयक एल्कोहल। तो रंगों के सहायता से अपन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन कर सकते हैं।